जय हिंद स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन. नाउ व्हेन यू हियर दिस वर्ड गुडविल, व्हाट कम्स इनटू योर माइंड इज कि हमारी रेपुटेशन मार्केट में जो है वही हमारी गुडविल है. येस, दिस इज़ वेरी ट्रू. बट अकॉर्डिंग टू दिस कमर्शियल वर्ड, we should know the commercial language also and the definition also. So according to commerce or according to accounts, goodwill is an intangible asset which enables a business enterprise to earn higher profits without putting extra efforts. Goodwill kya hai? Goodwill ek intangible asset hai. Intangible asset means wo asset jo ke jiski koi shape nahi hai, jo dikhai na de. Which enables a business enterprise to earn higher profits without putting extra effort, जो कि एक business firm को possibility लाता है कि वो ज़्यादा profit कमा सके अपने ही जैसी दूसरी firm से without putting extra effort, बिना अधिक मेहनत किए हुए. It is the present value of expected future income. Goodwill क्या है? आज की date में क्या value है किस चीज़ की? फ्यूचर इनकम की. कहने का मतलब आज की डेट में हम ये पता लगा लें कि फ्यूचर में हमें कितनी इनकम हो पाएगी, ठीक है? यही हमारी गुडविल है. दैट इज़ एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन टैंजिबल एसेट. अब ये फ्यूचर इनकम क्या है? एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न. नॉर्मल रिटर्न का मतलब क्या है? कि आपकी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री मींस आपके जैसी बहुत सारी फर्म होंगी जो सेम चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही होंगी, ऐसी इंडस्ट्री में एक प्रॉफिट का आइडिया होता है कि उसी प्रॉफिट के आसपास सब लोग अर्न कर रहे हैं, मगर वो है आपका नॉर्मल रिटर्न. मगर जब आप उस नॉर्मल रिटर्न से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हो, एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर नॉर्मल रिटर्न, तो वो आपकी गुडविल है. और वो कैसे? बाय इन्वेस्टमेंट इन टैंजिबल एसेट्स, ठीक है? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. अब ये गुडविल कहाँ पे डिफाइन की गई है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में. इनटैंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब्स दैट गुडविल शुड नॉट बी accounted in the books of accounts unless consideration is paid for it. अब accounting standard 26 कहता है कि intangible asset कोई भी है, खास करके goodwill, intangible asset जो कि goodwill है, वो तब तक books of accounts में नहीं दिखाई जानी चाहिए जब तक कि उसके लिए कोई consideration payment pay नहीं किया है, यानी कि जब तक कि उसके लिए कोई payment नहीं की है. सीधा सा मतलब है कि goodwill अगर खरीदी गई है तो ही दिखाई जाएगी. क्यों? क्योंकि खरीदने पर आप उसके लिए पेमेंट कर रहे हो. देयरफॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी खुद से क्रिएट की गई गुडविल. खुद से कैसे क्रिएट की जाती है? मेहनत करके, अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके. आप मार्केट में पब्लिक को देते हो, पब्लिक आपसे खुश होती है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, आपकी सेल बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है. अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेयर एज परचेज्ड गुडविल इज अकाउंटेड. दिस इज सो बिकॉज सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट एविडेंस्ड बाय पेमेंट, वेयर एज परचेज्ड गुडविल इज एविडेंस्ड बाय पेमेंट. यानी परचेज्ड गुडविल का एक एविडेंस है कि आपने पेमेंट किया हुआ है, बल्कि जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए आप कोई पेमेंट नहीं करते हो. इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि परचेज्ड गुडविल ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई जाएगी. नाउ व्हेन इज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज, कब जरूरत पड़ती है कि गुडविल की वैल्यूएशन की जाए? When there is change in profit sharing ratio, goodwill की valuation कब की जाती है? जब profit sharing ratio partners के बीच में change किया जा रहा हो. New partner is admitted, नया partner कोई admit किया जा रहा है firm में. Partner retires or dies, कोई partner या तो retirement ले रहा है या किसी partner की death हो जाती है. Partnership firm is sold as a going concern, कोई अपनी पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी फर्म को बेच रहा है कि अब ये ख़त्म है ऑलमोस्ट. नेक्स्ट, टू और मोर फर्म्स अमालगमेट, यानी दो या दो से ज़्यादा फर्म्स आपस में मिल जाती हैं और एक सिंगल फर्म बन जाती है. पार्टनरशिप फर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, अब आपकी पार्टनरशिप फर्म है,
अब पार्टनरशिप फर्म से उसको कन्वर्ट करके कंपनी बना दिया जाता है। कौन सी कंपनी? जॉइंट स्टॉक कंपनी। और ये चीज़ आप 11th की बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। नाउ गुडविल इज ऑफ टू टाइप्स, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड बोथ द टाइप्स ऑफ गुडविल, परचेज्ड एंड सेल्फ जनरेटेड। परचेज्ड गुडविल मीन्स द गुडविल फॉर विच यू हैव मेड सम पेमेंट, आइदर इन कैश और इन काइंड। काइंड मीन्स यू हैव गिवन सम गुड्स और सम एसेट। ओके, वैल्यू ऑफ गुडविल इज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन पेड ओवर the value of net asset, that is asset minus liability. Now what is purchased goodwill? How will you calculate purchased goodwill? Simple सी बात है, when you are paying something for purchasing a business and when you pay more than what is the net value of net asset, यानी net asset मतलब asset minus liabilities. Asset minus liabilities की value से जब आप ज़्यादा pay करते हो तो जितना ज़्यादा pay करते हो that is goodwill. Now accounting standard 26 says that purchased goodwill should be accounted in the books of accounts and written off at the earliest possible. Accounting standard 26 कहता है कि जल्दी से जल्दी अब सिर्फ परचेज गुडविल ही दिखाई जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल हो सके जल्दी उसे राइट ऑफ भी कर दिया जाए, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा भी दिया जाए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब खुद से अर्न की गई है, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं की गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाना है। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नाउ हमने जो इस चैप्टर में मेथड्स पढ़ने हैं कि कैसे गुडविल को कैलकुलेट करना है, वो हैं हमारे तीन मेथड। नंबर वन एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर टू सुपर प्रॉफिट मेथड, और नंबर थ्री कैपिटलाइजेशन मेथड। नंबर वन एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड आते हैं। फर्स्ट वन इज़ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज़ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड इज सिंपल। नाउ अगेन इन कैपिटलाइजेशन मेथड वी हैव टू मेथड्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले वील टेक अप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाउ गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। How will you calculate goodwill? It is the formula given to you, average profit into number of years purchase. Average profit का मतलब आप सब जानते हैं, अगर आप 3 साल का profit, profit of 3 years is given to you, आप 3 साल का average profit plus करेंगे, divide by 3 करेंगे, you will come, the result will be the average profit of 3 years. Now what are number of years purchase? Number of years purchase means the number of years for which the firm is likely to earn same amount of profit after change of ownership because of the efforts put in the past. इसको मैं एक example से समझाती हूँ। मान लीजिए A और B दो business firms हैं। B business firm ने A business firm purchase करी है, ठीक है? A business firm की अपनी खुद की बहुत goodwill है और बहुत profit कमा रहा था अब तक। किसी भी कारण से वो उसको सेल कर रहा है अपनी फर्म को, ठीक। अब जो बी बिजनेस फर्म है वो ए बिजनेस फर्म को परचेज करने के बाद ए जितना प्रॉफिट कितने सालों में कमा पाती है, वही है नंबर ऑफ इयर्स परचेज। इज इट क्लियर? बाय द एफर्ट्स पुट इन द पास्ट मींस पिछले सालों में कितने एफर्ट्स पुट किए गए, कितने एफर्ट्स लगाए गए हैं, उसके बेसिस पे ओनरशिप चेंज होने पे, यानी ए का मालिक अब कौन बन गया है? बी। ओके, नाउ दिस इज नंबर ऑफ इयर्स परचेज। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू आर सम्स ऑन दिस।